दिल्ली में आज पॉलिसी कमीशन की मीटिंग है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी करेंगे मीटिंग की सदारत। ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन इस मीटिंग में शामिल होंगे। रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम रियासतों के सीएम होंगे शामिल। नीति आयोग की बैठक में सभी उपराज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री नीति आयोग के उपाध्यक्ष लेंगे इसमें भाग। इंडिया के 6 सीएम ने बैठक का बायकॉट किया है। सीएम नीतीश कुमार भी बैठक में नहीं शामिल होंगे। वजीर आजम मोदी की सदारत में आज दिल्ली में पॉलिसी कमीशन आयोग की ये अहम मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम रियासतों के वुज़रा आला और एलजी और खुसूसी तौर से मदो मेंबर, मरकजी वजीर मंत्री और पॉलिसी कमीशन के नायब सदर और मेंबर शामिल होंगे। लेकिन इस बार की मीटिंग में एक नया मोड़ आ गया है। इंडिया इतिहाद के 6 वुज़राए आला ने पॉलिसी कमीशन की आज होने वाली मीटिंग का बॉयकॉट किया है। कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु के वुज़राए आला ने बॉयकॉट का ऐलान किया है। वहीं केरल के वजीर आला और पंजाब के वजीर आला भगवंत मान भी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। इंडिया इतिहाद के कुल 9 वुज़राए आला पॉलिसी कमीशन के मेंबर हैं, जिनमें से 6 ने इस बार मीटिंग से दूर रहने का फैसला किया है। हालांकि मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी और झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन मीटिंग में शामिल होंगे। आपको बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार पॉलिसी कमीशन की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। असेंबली के सेशन होने की वजह से फैसला लिया गया है। ये मीटिंग में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी शामिल होंगे। तो नीति आयोग की आज ये अहम बैठक होने वाली है और इंडिया इतिहाद के कई ऐसे सीएम हैं जो इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। इंडिया के 6 सीएम ने बॉयकॉट का फैसला किया है इस मीटिंग के। तो वहीं ममता बनर्जी मौजूद रहेंगी इस मीटिंग में। और क्या कुछ अहम होता है देखना होगा, क्या कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो इस मीटिंग में छाए रहते हैं और किस तरीके से हम देखेंगे कि आगे जो स्ट्रैटेजी बनाई जाती है इसके मद्देनजर ये अहम होगा। लेकिन आपको बता दें कि इंडिया इतिहाद के कुल 9 वुज़राए आला पॉलिसी कमीशन के मेंबर हैं, जिनमें से 6 ने इस बार मीटिंग से दूर रहने का फैसला किया है। हालांकि मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी और झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन मौजूद रहेंगे मीटिंग में। आपको बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी पॉलिसी कमीशन की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि असेंबली सेशन बिहार में चल रहा है और उसी के मद्देनजर वो आज इस मीटिंग में शामिल नहीं हो पाएंगे। वहीं मीटिंग में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी शामिल होंगे। तो दिल्ली में आज नीति आयोग की बैठक होने जा रही है और बहुत अहम इस बैठक को माना जा रहा है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। और पहले ही इंडिया इतिहाद की तरफ से कई लीडरान ने यह तय कर लिया था कि वो इस मीटिंग का बॉयकॉट करने वाले हैं और उसी के मद्देनजर वो इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। वहीं केरल के वजीर आला और पंजाब के वजीर आला भगवंत मान भी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। लेकिन ममता बनर्जी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगी और उनका ये कहना था कि बंगाल को जिस तरीके से दरकिनार किया जा रहा है इसका मुद्दा वो इस मीटिंग में उठाएंगी। तो इंडिया इतिहाद के कुल 9 वुज़राए आला पॉलिसी कमीशन के मेंबर हैं, जिनमें से 6 ने इस बार मीटिंग से दूर रहने का फैसला किया है। हालांकि मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी मौजूद इसमें रहेंगी। वहीं हेमंत सोरेन भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी इस मीटिंग में शामिल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि अभी असेंबली सेशन वहां पर चल रहा है और उनकी जगह मीटिंग में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मौजूद रहेंगे। तो बहुत अहम इस मीटिंग को माना जा रहा है। नीति आयोग की ये मीटिंग है और इंडिया इतिहाद के कई ऐसे नेता हैं जो इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। कई राज्यों के जो वजीर आला हैं उन्होंने इस मीटिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया है, इस मीटिंग का बॉयकॉट कर दिया है और ये फैसला पहले ही ले लिया गया था। लेकिन आपको बता दें कि इंडिया इतिहाद के कुछ नेता ऐसे हैं जो इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। तो ममता बनर्जी इस मीटिंग में शामिल होंगी और कल ही उन्होंने ये बात साफ कर दी थी कि वो इस मीटिंग में मौजूद रहेंगी और बंगाल के साथ जिस तरीके से रवैया अख्तियार किया जा रहा है मरकजी सरकार के जरिए, इसलिए मुद्दा वो इस दौरान उठाएंगी।